बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इसहाक और आप देख रहे हैं दिलचस्प अजीब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको कुरान के इजाज़ के बारे में कुछ बताऊंगा। कुरान में सबसे छोटी सूरत सूरत कौसर है और इस सूरत के कुल अल्फाज की तादाद 10 हैं। इसी तरह सूरत कौसर की पहली आयत में कुल 10 हरूफ हैं। सूरत कौसर की दूसरी आयत में कुल 10 हरूफ हैं और सूरत कौसर की तीसरी आयत में भी कुल 10 हरूफ हैं। इस पूरी सूरत में जो सबसे ज़्यादा हरफ आया है वो हरफ अलिफ है, जो 10 दफ़ा आया है। वो हरूफ जो इस सूरत में सिर्फ एक एक दफ़ा आए हैं, इनकी तादाद भी 10 हैं। इस सूरत की तमाम आयात का अख्ताम हरफ रा पर हुआ है, जो कि हरूफ तहज्जी में 10वां हरफ शुमार होता है। कुरान मजीद की वो सूरतें जो हरफ रा पर इख्तिताम पज़ीर हो रही हैं, इनकी तादाद भी कुल 10 है, जिनमें सूरत कौसर सबसे आखिरी सूरत है और इसका नंबर भी 10 है। इसी तरह इस सूरत में जो 10 का आदद है, इसकी हकीकत यह है कि वो ज़ुल्हज्जा के महीने का 10वां दिन है, जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया फ़सल्ली लिरब्बिका वन्हर, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि बस नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। वो दरअसल कुर्बानी का दिन है। अल्लाह की शान है ये दोस्तों, ये सब कुछ कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत जो सिर्फ एक सतर पर मुश्तमिल है, कुर्बान जाऊँ इस पाक कलाम पे। इसी तरह अल्लाह ताला ने बार बार कुरान मजीद में फरमाया है कि आप कुरान में फिक्र करो, गौर करो आप। तो दोस्तों, हमें भी चाहिए कि कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें, इसमें गौर व फिक्र करें और इस पे अमल करें। अल्लाह ताला हम सबको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, इजाज़त चाहता हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।